तो ये फैमिली डोमिनेटेड जो पार्टीज होती हैं, ये इस वक्त जो अलायंस है, ये फैमिली डोमिनेटेड पार्टीज का अलायंस है। अस्सलामु अलैकुम, आई एम समानिया बट फ्रॉम कश्मीर डिस्पैच। आई वेलकम यू ऑल। राइट नाउ वी हैव विद अस मिस्टर जावेद हुसैन बेग, द स्पोक्स पर्सन ऑफ अपनी पार्टी। वेलकम सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो DDC इलेक्शन जो है अभी आने वाले हैं, तो आपकी पार्टी या आपका रोड मैप क्या है? व्हाट आर योर एजेंडाज, योर स्ट्रेटजी? देखिए, ये जो मरकजी हुकूमत ने यहाँ इलेक्शन प्रोसेस इनिशिएट किया है, इसके बुनियादी दो मकासद हैं। एक ये है कि 5 अगस्त के बाद जो डिसकनेक्ट हो गया है लोगों के दरमियान और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान, और फिर एक लार्जर स्केल पर आम आदमी के दरमियान, यानी इस यूनियन टेरिटरी के लोगों के दरमियान और मरकजी सरकार के दरमियान, एक पॉलिटिकल प्रोसेस इनिशिएट करके वो इस जो ये दूरी है इसको कम करना चाहते हैं। इसका पहला मकसद तो ये है। दूसरा मकसद ये है कि जब ये दूरियां कम होंगी तो मौजूदा जो रियासती हुकूमत है या जो मरकजी हुकूमत है, उनका जो एक ग्रास रूट लेवल पर एजेंडा है डेवलपमेंट का, उसके लिए लोगों की पार्टिसिपेशन से ऐसे लोगों को इलेक्ट करने की कोशिश होगी अवामी सतह पर जो उनकी इक्तिसादी तर्जुमानी करें। इसका कोई अगर सियासी एजेंडा है तो वो सिर्फ इतना है कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस इनिशिएट होगा, बाकी इसका सारा इक्तिसादी एजेंडा है कि लोगों की तामीर और तरक्की में आम आदमी को मौका दिया जाए कि वो अपने नुमाइंदों का इंतखाब करें। जहाँ तक हमारी जमात का ताल्लुक है, ये जमात बने हुए अभी 1 साल नहीं हुआ और ये इलेक्शन आ गए, ना इस इलेक्शन के लिए हमारी जमात ज़हनी तौर तैयार थी, ना हमारा स्ट्रक्चर अभी इस बना था। 8 महीने में कोरोना वायरस की वजह से और लोगों के डिसकनेक्ट की वजह से, कि मैं ये कहूँ कि हमारी पार्टी जो है ये सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी, लेकिन हमारी पार्टी का के लिए ये एक मौका है कि वो ज़मीनी सतह पर एक तरह का ये कहें कि इस पार्टी के पौधे लगाए। सियासी जमातें बनती हैं फिर जदोजहद के ज़रिए वो अपना मुकाम किसी समाज के अंदर बनाती हैं। हमारी पार्टी का एजेंडा वाजिया है, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और डेमोसाइल लॉज के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, ज़मीन के हवाले से हमारा वाजा मौकफ़ है कि ये इस पर हमारा ही हक होना चाहिए। और जहाँ तक 370 और 33A का ताल्लुक है, वो सुप्रीम कोर्ट में लोग लड़ रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उसमें हमको सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। आर्टिकल 370 और 35A की बात की जो अभी भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, तो लोग जो है काफ़ी डिसअपॉइंट है उस चीज़ से। द पीपल ऑफ वैली हैव ऑलवेज बीन फूल्ड, तो क्या लगता है आपको कितना चैलेंजिंग रहेगा, टफ रहेगा इस टफ सिचुएशन में, क्योंकि लोग जो है अभी भी डिसअपॉइंट है उस चीज से अभी सामने आना? देखें, ये जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, इनको ये सादा हो सकते हैं, नादान नहीं है। लोग जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसको भारतीय जनता पार्टी रिवर्स कर ले सिर्फ हमारे कहने से ये मुमकिन नहीं है। मेरा जहाँ तक जाती एक नुक्ता नज़र है, और हमारी जमात का भी ये हो सकता है कि आपको जो भी रिलीफ मिलेगी अगर 370 के हवाले या 35A के हवाले से, तो वो सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी, या दूसरी सूरत ये है कि कभी पार्लियामेंट में कोई ऐसी हुकूमत हो जिसके पास मेजॉरिटी हो और जो इतनी जुर्रत कर सके कि इसको रिवर्स करे, तो आपका उसमें कितना वजन होगा रियासत के सियासी जमातों का कि वो मुल्की सतह पर राय आमा को हमवार करें, और जो 370 और 35A को मौजूदा सरकार ने एब्रोगेट किया है, इसके लिए मुल्क तैयार हो जाए कि इसको रेस्टोर करना है, तो उसी सूरत में रेस्टोर हो सकता है। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसका वाहिद प्लेटफार्म है जहाँ पर अच्छी तरह से अगर कंटेस्ट किया जाए और वहाँ अगर वाकई आईनी और कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं तो ये रेस्टोर हो सकता है, अदरवाइज मुझे पार्लियामेंट इसमें इंटरवीन करते हुए नजर नहीं आती। में जो है मुजफ्फर बेग साहब ने PDP लेफ्ट किया, सो ही वांट्स यूज्ड टू बी द बैकबोन ऑफ PDP, तो क्या लगता है आपको उनका क्या डिसीजन रहेगा या क्या रीजंस रहे उनके जो ने इतने टाइम के बाद PDP लेफ्ट? देखिए, बेग साहब एक बहुत ही कदावर सियासी शख्सियत है, और जब बेग साहब ने कोई फैसला किया होगा तो जाहिर सी बात है कि ये फैसला
काफ़ी सोच समझ के और एक कूल थिंकिंग का रिजल्ट होगा। बेग साहब ज़िंदगी के उस मुकाम पे हैं और तजर्बे के उस मुकाम पर हैं और इलम इतना उनके पास है कि जब वो इस तरह का फैसला करेंगे तो मुझे ये लगता है कि ये उन्होंने कोई जहन में कोई नक्शा रखा होगा और उसी के मुताबिक उन्होंने ये फैसला लिया होगा। किन हालात में उन्होंने ये फैसला लिया, किस चीज़ ने उनको ये फैसला लेने पे मजबूर किया, ये वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो फैसला उन्होंने किया होगा ये सोचा समझा फैसला होगा। रफीना जी की बात करें तो वो इलेक्शंस एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रही है, बट अभी जो हम देख रहे हैं कि उनको अभी तक पार्टी ने उनके अगेंस्ट कोई डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि आप खुद देखे पीडीपी जो है वो अभी है अलायंस में, पीएजीटीपी अलायंस में, तो अभी तक उनके अगेंस्ट कोई डिसीजन नहीं लिया, उन्होंने छोड़ दी। ये तो सीधी सी बात है कि शी हैज़ वायलेटेड द नॉर्म्स रूल्स ऑफ अलायंस, तो अभी तक उनके अगेंस्ट कोई डिसीजन नहीं लिया। ये मामला पीडीपी और सफीना जी के दरमियान है, ये बेहतर होगा कि आप पीडीपी की आदत से पूछें या सफीना जी से पूछें। मैं तो एक दूसरी जमात का फर्द हूँ, मुझे कोई हक नहीं बनता है कि मैं पीडीपी की जो पॉलिसी है कि वो इस अलायंस में क्यों है, किस मकसद से है, वो क्या हासिल करना चाहती है, तो मैं पीडीपी की स्ट्रेटजी के हवाले से कुछ कहना ही नहीं चाहता। कि मेरा फोकस इस वक्त ये है कि मैं अपनी पार्टी के लिए जितना कर सकता हूँ उतना करूँ, बाकी जो पीडीपी की स्ट्रेटजी है वो क्या है, कैसी है, कहाँ है, मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे हक बनता है कि मैं उनकी पॉलिसी पे क्रिटिसाइज करूँ। कुछ टाइम पहले जो आपके इवन पार्टी के लीडर्स थे जिनको रातों रात निकाला गया, जो गवर्नर से मीटिंग के लिए गए थे, तो उनको तो निकाल दिया गया, बट उनका डिसीजन अभी पेंडिंग है। देखें, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि यहाँ जो जमहूरियत है इन पार्टीज़ के अंदर, ये फैमिली डोमिनेटेड पार्टीज़ हैं। फारूक साहब, उमर साहब जो फैसला करेंगे वही फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी भी लीडर के हवाले से वही चलेगा। एक तरफ सारी जमात हो, दूसरी तरफ फारूक साहब हो, तो फारूक साहब की बात चलेगी। 1999 में जब फारूक साहब ने भी भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट देकर वाजपेयी साहब की हुकूमत को बचाने की कोशिश की, सैफुद्दीन सोज साहब ने वोट खिलाफ दिया, उनको फारूक साहब ने पार्टी से निकाल दिया, किसी ने आज तक नहीं की। उसके बाद जब वाजपेयी साहब की हुकूमत बनी, उमर साहब ने उनके मिनिस्टर बने, सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस में रिजेंटमेंट थी, लेकिन किसी की जरूरत नहीं आई कि वो फारूक साहब को कहें कि आप किस तरह बीजेपी का हिस्सा बन रहे हैं मरकज़ में। जब यहाँ 2014 में महबूबा जी की पीडीपी ने ये फैसला किया कि हम बीजेपी के साथ अलायंस करेंगे और हुकूमत बनाएंगे बीजेपी की ए टीम बन के, तो फिर उस वक्त भी किसी एमएलए या किसी एमपी ने ये हिम्मत नहीं की कि इस फैमिली के ख़िलाफ़ बात करें। आप देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक साहब और उमर साहब, पीडीपी हो गई, महबूबा जी के इर्द गिर्द जितनी है उतनी ही है, जो फैसला करेंगी उससे बाहर कुछ नहीं है, कोई जमहूरी का तस्वुर नहीं किया जा सकता इन दो पार्टीज़ में। फिर वो एक और पार्टी है, एक एएनसी, वो खालदा शाह की पार्टी है, वो शेख साहब की बेटी है, उनका बेटा कोई है वो चला रहा है, तो ये लोग इसी तरह आप देखें दूसरी जो जमातें उसमें हैं, ये सारी फैमिली बैकग्राउंड है इनकी, फैमिली डोमिनेटेड पार्टीज़ हैं, इनके खिलाफ कौन बात करेगा, जो बात करेगा वो एक्सपेल हो जाएगा, जो बात करेगा वो एक्सपेल हो जाएगा इन पार्टी से, क्योंकि ये समझती हैं कि ये इनकी विरासत है, मीरास है, और इनको हक बनता है कि ये बादशाहों की तरह रियाया के हवाले से फैसले करें कि किसको बख्शना है, किसको जेल भेजना है। सो दे आर डूइंग इट, that's why they have been reduced to the level to which they have been reduced. ठीक है, if your party manages to win, तो आप लोग का strategies की अगर बात करें तो क्या लेके आ रहे हैं आप हमारी disappointed आवाम के लिए? ये कहना कि हमारी पार्टी कोई इस मौजूदा सूरत हाल में कोई मेजॉरिटी लेके आएगी, ये बड़ा अनरियलिस्टिक होगा। ये एक अपॉर्चुनिटी है पार्टी को स्टैंड के खड़ा करने की। सबसे पहले हम पार्टी खड़ा कर लें और उसके बाद फिर असेंबली इलेक्शन में फैसला होगा, तब तक हमने काफ़ी कंसोलिडेशन की होगी, फिर असेंबली इलेक्शन में फैसला होगा कि किस तरह की हमारी जमात का जो आगे बतीत तरीका कार रहेगा वो क्या रहेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कह देता, व्यूअर्स को भी कह देता हूँ और आपको भी कह देता हूँ कि हमारा एक बड़ा ही एक रियलिस्टिक और बैलेंस्ड अप्रोच होगा।
हम कत्ती तौर किसी को भी प्रवोक नहीं करना चाहते, हम मरकज में जिस किसी की भी हुकूमत होगी हम उसको प्रवोक नहीं करेंगे, रियासत में जिस किसी की भी हुकूमत होगी हम प्रवोक नहीं करेंगे, हम गाली गलौज नहीं करेंगे, हम गैर जरूरी जज्बाती सियासत नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि टेम्पर्स को कूल करें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी गवर्नमेंट हो वो बीजेपी की हो या वो कांग्रेस की हो या वो कोई कब आने वाले वक्त में मिली जुली सरकार हो, तो उनके साथ नहायत ही तदब्बुर के साथ महज़ब तरीके से बातचीत करके अपने लोगों के लिए सियासी और इक्तिसादी राहत जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हम कभी भी जो सेपरेटिस्ट हैं उनके ना खुशामद करेंगे ना बुरा भला कहेंगे, इसी तरह हमारा हमसाया मुल्क पाकिस्तान है ना हम उनकी खुशामद करेंगे ना हम गाल गलोच करेंगे, तो हमने एक मियाना रवि से काम लेके आगे बढ़ना है, बीच का रास्ता एक इख्तियार करना है और लॉन्ग रन में आप देखेंगे कि उसी की सियासत की कश्ती पार लगेगी जो नहायत ही सच्चाई और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ लोगों के पास जाएगा। वक्ती तौर इम्तिहान हो सकता है, वक्ती तौर आपको लोग कई नामों से पुकारेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में ये पता चलेगा कि जो हम आज कहते हैं ये सच साबित होगा या वो लोग जो इस वक्त झूठ का सहारा और जज्बात का सहारा लेके कोशिश करते हैं कि लोगों के आसाब पर सवार होकर उनका वोट हासिल करें, ये लॉन्ग रन में पता चल जाएगा कि सच्चा कौन है और कौन था। अभी आपको लगता है कि लोग रेडी है इलेक्शंस के लिए इस टफ सिचुएशन में या आने वाले जो डीडीसी के इलेक्शंस है इसके बाद लेजिस्लेटिव इलेक्शंस है, आपको लगता है कि लोग रेडी है अभी कोई नया चेहरा चुनने के लिए? ये जो इलेक्शन है इसके लिए लोगों को रेडी करना पड़ता है। अगर दुनिया में एक सारी जमहूरियत का आप मुताला करें तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा उस वक़्त लोगों की पार्टिसिपेशन होती है जब लोगों के मसाइल सबसे ज़्यादा हो, जहाँ लोगों के मसाइल हल हो जाते हैं वहाँ उतने ही वो डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं, अनलेस कि यूरोप की तरह वो जमहूरियत को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक जिम्मेदारी समझते हो और वोट डालने को अपना हक ही नहीं अपना राइट ही नहीं अपनी ड्यूटी भी समझते हो। यहाँ उस तरह का तस्वूर नहीं है, यहाँ जिन लोगों के काम हो जाते हैं जिनके मसाइल हल हो जाते हैं वो डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं वोटिंग प्रोसेस में, वो तो उनका सिर्फ तबसरे की हद तक गुफ्तगू की हद तक राइटिंग की हद तक होता है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए अच्छे लोग होने चाहिए लेकिन वो खुद कभी पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन जो मौजूदा हालात में आप ज़मीनी सतह पर लोगों में दिलचस्पी का फुकदान है, अब ये जो हम एक दूसरे के खिलाफ लोगों में जाके ये तकरीरें करते हैं लोगों को मोटिवेट करते हैं लोगों को तकसीम करते हैं तो उससे एक सूरत हाल बनती है कि हो सकता है किसी हद तक लोग पार्टिसिपेट करें, लेकिन यहाँ कश्मीर में कई इलाके होंगे जहाँ पार्टिसिपेशन रीजनेबल होगी, कई में बहुत कम होगी, कई में अच्छी खासी होगी, लेकिन जम्मू डोडा वगैरह चूँकि ये एक यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर तो पार्टिसिपेशन खुली होगी क्योंकि जितने वहाँ इस तरह के जज्बाती इश्यूज नहीं हैं जिस तरह कश्मीर में हैं, तो तवक्को की जा सकती है बाय एंड लार्ज कि एक टर्नओवर अच्छा होगा, रीजनेबली यू कैन से कि रीजनेबली एक गुड टर्नओवर होगा जब आप सारे को देखेंगे कलेक्टिवली, तो इनफरादी सतह पे कॉन्स्टिट्यूएंसी से कॉन्स्टिट्यूएंसी डिफर करेगी लेकिन इज्तमाही तौर ये इलेक्शन सक्सेसफुल।